यार ये अपन कन्ने बांधते हैं, इसमें ऊपर नीचे का क्या रहता है? ये सिस्टम चिंटू ऐसा है कि अपन को अपने पतंग के भार के हिसाब से ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें इफेक्टेबल होती है हवा, ठीक है। जैसे अभी पूरे सराउंड के अंदर हवा है 8-10 की, ठीक है, नॉर्मल हवा है, बेटर हवा है पतंग उड़ाने के लिए। सबसे अच्छी हवा होती है 8-10 की, ठीक है। तो 8-10 की हवा है, थोड़ा बहुत लोचीला इसका खड्डा है, ठीक है। तो अपन ने इसकी मिड रेंज के अंदर डाल दी, ठीक है। अब जैसे ही मान के ठड्डा थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, तो अपन इसको और ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और ठड्डा इसका ज़्यादा पतला हो तो अपन इसको नीचे ले लेंगे, और हवा अगर तेज़ है तो नीचे का ठड्डा है तो ये पतंग पूरा वजन ले लेगी। हवा तेज है तो नीचे बांधो, हवा तेज है कम हो तो ऊपर बांधो, कम हो तो ऊपर बांध लो, क्या है कि इससे पतंग का वजन जो है ना वो हल्का रहे, ठीक है। जैसे अपन इसके अंदर यहाँ से अभी कन्ना बांधेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 10 की हवा है, लोचीला है ठड्डा, ठीक है, लोचीला ठड्डा है, दिख रहा है, पतंग उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपन ने यहाँ पर इसका कन्ना दे लिया। अभी होता है ना यार, यहाँ से पतंग फाड़ के ऊपर आ जाता है कन्ने, पतंग फाड़ का इलाज करें, पतंग फाड़ के ऊपर आ जाता है। तो देखो उसके लिए एक इलाज है, अगर अपन यहाँ पर इसके डबल टेप पे बांधते हैं तो पतंग भारी हो जाती है, ठीक है। अपन को यहाँ पर कन्ना बांधना है और इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। यहाँ से टेपिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, टेपिंग आप यहाँ से पीछे से भी कर सकते हो, जिससे छेद बंद हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा इसको अपन को लोच दे देना है, ठीक है, जिससे यहाँ पे लोच रहेगा। अपन टड्डा यहाँ से मोड़ के रह जाते हैं, कई लोग यहाँ से मोड़ के जाते हैं। हल्का सा लोच अपन को यहाँ से भी पतंग को देना पड़ेगा, जिससे ये पतंग अच्छे से उड़ पाए और यहाँ से इसकी हवा पास हो पाए, तो ये खिंचाई में ज़्यादा बेटर रहेगा, दिख रहा है। खिंचाई पड़ेगी तो ये पतंग यहाँ से इसकी हवा पास होगी, वहाँ से खड़ा होएगा, सीधी खिंचाएगी इसकी, ठीक है। जैसे अभी मैं तुमको एक कन्ना बांध के दिखाता हूँ, परफेक्ट है ना। क्या है कि कई लोगों को दिक्कत आती है मिडिल नोट में, जो अपन कन्ने पे मिडिल नोट बांधते हैं, बीच की गाठ जो बोलते हैं, बीच की गिठान जो कहते हैं इसको, मिडिल नोट में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। ये अपन ने इसको परफेक्टली यहाँ से एक बार पुश कर दिया, ठीक है। अब ये लिया नीचे सिंगल का, एक्चुअली ये थोड़ा मोटा सद्दा है इसलिए मैं सिंगल का कर रहा हूँ, अगर आप पतला सद्दा यूज़ कर रहे हो तो इसको भी डबल का कर सकते हो, ठीक है। ये अपन ने इसको यहाँ से इस पर कन्ना सेट किया और यहाँ से भी इसको रोक दिया। जब अपन इसको मिडल में बांध रहे हैं, ठीक है, मिडल में बांधेंगे तो ये बिल्कुल मिडल में रहेगा, देख पा रहे हो, ये बिल्कुल मिडल में रहेगा। यहाँ पर ये इसका मिडल है, ठीक है। यहाँ पर अपन को बीच की गिठान रखनी है। अगर यही कन्ना यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो अपन को ऊपर का जो पार्ट है वो इस तरीके से अपन इसको ज़्यादा रखेंगे, समझ रहे हो, अगर ये यहाँ पर आ रहा होता, क्योंकि पतंग में भार नहीं रहता और पतंग में भार देने के लिए अपन को ये चीज़ करनी पड़ती। और अगर ये नीचे आ रहा होता, ठीक है, तो अपन को ये करना पड़ता, ये एंगल सेट करना पड़ता। नहीं, अभी ये बिल्कुल मिडिल में है तो अपन इसका मिडल एंगल सेट करेंगे, जो कि परफेक्शन से ये है। मिडल एंगल सेट करने के लिए सबसे परफेक्ट चीज़ है, इसको यहाँ से नापो, जैसे ये यहाँ से 1 इंच ले लिया अपन ने, अंदाजन 1 इंच यहाँ से ले लिया और 1 इंच यहाँ से ले लिया, ये परफेक्ट मिडल है अभी इस टाइम पर, समझ गए। अगर मिडल में आपने छेद रखे हैं तो, अगर आपने मिडल में छेद नहीं रखे हैं, ऊपर छेद रखे हैं तो ऊपर वाला अपन को नीचे लेना है, जिसमें इधर 2 इंच दे देना, ठीक है, ऊपर 1 इंच दे दिया तो वो अपना भारी हो गया पतंग, ये इसका परफेक्शन हो गया। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम बोले बल निकालते हैं पतंग का, कमान सीधी रहती है लेकिन फिर भी पतंग घूम रही है, कमान सीधी रहती है फिर भी पतंग घूम रही है, तो इसके अंदर क्या होता है मित्रों, मैं आपको बताऊँ। अच्छे से अच्छे मेकर की पतंग में ये दिक्कत आ रही है अभी, ये देखिए मित्रों, ये आपको यहाँ पर कमान दिख रही होगी, ये इसके पीछे कमान दिख रही है। अब ये पतंग, ये कमान पे नोट करना, अब ये अपन ने पतंग खींचना स्टार्ट करी, ठीक है, खींचना स्टार्ट करी, ये ऐसे खींची पतंग, ठीक है, पतंग खींची, इसके बीच में गैप दिखना स्टार्ट हो गया कमान और कागज़ के बीच में, यहाँ पर यहाँ से हवा इसके बीच में से पास हो गई, पतंग घूम गई, पास में उड़ा कर देख रहे पतंग नहीं घूम रही थी, दूर जाकर देखा पतंग घूम गई। अपन को यहाँ से इसकी जो टैपिंग करनी है वो हमेशा इसको रोकते हुए करनी है, कि ये यहाँ से इसमें अपन को खींचते टाइम पे जब ये मुड़े तो हवा पास नहीं होनी चाहिए कैसे भी, दोनों तरफ से अपन को ये टैपिंग करनी है। एक टैपिंग क्या होती है, अगर अपन दूर उड़ा रहे हैं तो एक कांटे जो बनाई हुई होती है, देखो कितना ही अच्छा मेकर हो लेकिन वही लई से कांटे जुड़ती है, तो अपन को ये कांटों पर टैपिंग कर लेनी है। एक टैपिंग ऊपर साइड के अंदर टैपिंग कर ली, दो टैपिंग अपन ने यहाँ कर ली और ये हो गई। अभी हम आपको टैपिंग करके भी दिखा देते हैं। हाँ यार, लाइए
ये देखिए मैं आपको टेपिंग करके दिखाता हूँ। कलरफुल टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ ट्रांसपेरेंट टेप, बिकॉज ऑफ इससे पतंग की जो बनी हुई है बनावट, जो काट लगी हुई है पतंग पे, वो सेम एज इट इज़ रह जाती है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होती। पतंग की सुंदरता वैसे भी कारीगर अच्छे से बना करके भेजता है। ये कौन सा पतंग है? ये अद्दी है, बरेली की, छत से उड़ाने के लिए बेस्ट है। ये देखिए, ये किनारों की टेपिंग देखिए, इसको यहाँ से मोड़ा, इसको यहाँ से मोड़ा। इस टेपिंग के अंदर क्या ख़ास बात है, कभी भी किसी की अगर डोर फंस रही है ये देखिए, कभी भी किसी की अगर डोर फंसेगी तो वो यहाँ से अड़ करके निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर उसको जगह नहीं मिलेगी, ये टेप यहाँ पर रहेगी ना, इस टेपिंग में उसको डोर को जगह नहीं मिलेगी काफ में टकने की। एक आपको दिखाता हूँ, एक टेपिंग अपन करते हैं हमेशा यहाँ पर ऊपर ऐसे, एक टेपिंग करते हैं हमेशा ऊपर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये टेपिंग बेस्ट है, लेकिन मित्रों मैं जो प्रेफर करता हूँ ऊपर के लिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है ये, अपन ने लिया यहाँ से ऐसे, तुमने देखा होगा सत्यम कई बार। हाँ, ये बेस्ट मानता हूँ मैं इस टेपिंग के बजाय, ये जो टेपिंग है इसको मैं बेस्ट मानता हूँ, ये कहीं नहीं जाती। मैंने बहुत बहुत मैंने पतंगें जितनी भी उड़ाई है सारी ऐसे ही उड़ाई है। ये देखिए, ये एक टेपिंग अपन ने कर दी ऐसे। अब ये सत्यम तुम कह रहे थे कन्ना ऊपर चल जाता है, अब ये कन्ना कहीं भी नहीं जाएगा इस टेप के कारण, ठीक है। इसके अंदर भी एक और चीज़ अपन जो कर सकते हैं वो ये है, यहाँ से आप इसको भी बांध सकते हो, ठीक है। ये छेद भी बंद हो गए, इससे भी कहीं नहीं जाएगा कन्ना, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेप में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ध्यान दिए, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। एक फटने की रीज़न रहता है यहाँ से, ये जो डंडी लगी हुई है ये वजन लेती है, यहाँ से जो ये डोरा है ये चटकता है, उसके बाद में कागज़ चटक जाता है, सीधी की सीधी पतंग फट जाती है। ये बहुत होता है। हाँ, ये डंडी लगी हुई है, ये सबसे ज़्यादा पतंग में अपन को करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और एक अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक टेपिंग करनी चाहिए यहाँ पर भी, यहाँ पर इस जगह टेपिंग करनी चाहिए। देख मित्रों, यहाँ पे टेपिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत मजबूत पार्ट है, ये जो पार्ट है इस पर आपको टेपिंग करनी जरूरी है। अगर आप दूर पतंग उड़ा रहे हो, कोई पौनी अद्दी कहीं पर भी आप दूर लड़ा रहे हो, 300, 400, 500, 1000 इसके ऊपर भी अगर आप लेते हो, तो मित्रों इसके लिए क्या है, ये देखिए, इसको यहाँ से अपन ने करा और यहाँ की यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया। अब ये पतंग कहीं पे भी नहीं फटेगा, कितनी भी तेज हवा हो कोई भी नहीं होगा इसके। ये देखिए, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ पर अपन ने इसको मोड़ दिया, ये परफेक्शन से ये पतंग अपना तैयार हो गया। ये देखिए, पहले तो ये कागज और डंडी का मिश्रण था, पतंग तो अब बनाई है। ये हुई ना बात, ये पहले ये एकदम मिश्रण बन के आया था, पतंग बनाया है अपन ने इसको, कारीगर ने तो केवल जोड़ करके भेजे थे और ये अपन ने अपने इसको बना दिया। पोस्ट करना एक बार, एक यहाँ पे हल्की फुल्की टेप पे अपन ने लगा दी, जो ये काट बनी हुई है इनमें से ही फटने का डर रहता है पतंग का, यहाँ पर भी अपन ने लगा दी, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गई रेडी पतंग। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप सत्यम के थ्रू हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी है हमेशा। ये खड्डा मुड़ गया हमारा, ये पतंग आपका हो गया रेडी उड़ाने के लिए बेस्ट पतंग। अभी इसकी हम आपको है चेक करवाते हैं एक बार, अगर ये सीधा नहीं चलता है तो उसको सीधा करके भी दिखाते हैं, वीडियो एक मिनट के लिए पॉज करते हैं। थोड़ा दिक्कत आ रही है, एक बार मैं कहीं की तरफ देखता हूँ थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये पतंग आपको लंबा जाता हुआ दिख रहा है, अभी हम श्रद्धा से इसकी चले एक बार ट्रेक पर चले, जिससे अगर इसकी कुछ भी अगर इसमें गोल घूमने का कुछ भी है तो हम आपको
सही करके दिखाए। दोस्तों ये पतंग तो आपने देखा होगा अभी खेत में सीधी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पोस्ट करेंगे, एक पतंग और तैयार है उस पर टेमिंग करेंगे और उसकी खेत चेक करेंगे, उसकी टेढ़ी हुई तो उसको सीधी करते हैं, सेम एज इट इज पतंग है। तो देखिए दोस्तों ये पतंग एक और हमने तैयार की, ये पहले वाली पतंग थी आपके सामने टेपिंग करी थी, ये कोने में आप टेपिंग देख सकते हैं, इसमें नहीं है। इसकी एक बार खेत चेक करते हैं अपन, अगर इसकी खेत टेढ़ी हुई तो आपको सीधी करके दिखाते हैं। ये देखिए मित्रों, ये पतंग हमारे राइट साइड को घूम रहा है, आपने देखा, ये देखिए राइट साइड की तरफ पतंग जा रहा है। अभी राइट साइड के अगर पतंग जा रहा है सत्यम, तो इसमें क्या करना है अपने को, एक तो यहाँ पर अपन को टेपिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से इधर से हवा पास हो रही है, तो टेप को अपन को थोड़ा सा आगे लेना है, ठीक है। और अपना जो ये पतंग है वो टेप बढ़ाने के बाद में जाएगा दोबारा से लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड की डंडी छोटी दिख रही है अपन को पहले से, है ना, ये ऊँची दिख रही है, ये नीचे दिख रही है ना, डिफरेंस है। अगर राइट साइड में पतंग घूमती है तो अपन को ये लेफ्ट साइड की डंडी ऊपर करनी थी, ये इधर से लेफ्ट है ना, एज इट इज पीछे करा तो राइट में आ गई, इसको ऊपर करनी थी, मतलब आगे का लेफ्ट हो गया पीछे का राइट हो गया। हाँ, लेकिन ये मिरर में जस्ट लाइक अ मिरर, हाँ, पहले से ऊपर है, ठीक है, ये अपन को दिख रही है पहले से ऊपर है, हवा यहाँ से इसमें से आउट हो रही है, इसलिए अपनी पतंग घूम रही है। एक बार इसमें अपन करेंगे फिर देखना, अब ये दोबारा से लेफ्ट जाएगी। दोस्तों पतंग अभी भी राइट साइड की तरफ जा रही है, मित्रों इस पतंग के अंदर एक चीज नोट करिए आप, इसका जो टड्डा है, ठीक है, ये टड्डा कर्व जा रहा है, ठीक है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये टड्डा इधर का कर्व जा रहा है, टेढ़ा ठड्डा पड़ रहा है। राइट साइड की डंडी अगर अपन इधर की तरफ घुमाते हैं हल्की सी, ये देखो राइट साइड की डंडी अपन ने घुमाई इसकी ऊपर करते हैं, इसके बाद में अपन इसको दोबारा से चेक करेंगे। देखिए मित्रों कुछ हद तक इसमें बेहतर हुआ, दोबारा से आपको दिखा रहा,
हल्की सी राइट और घूम रही है अभी ये। अभी राइट जा रही है, वही राइट साइड की गंदी को ऊपर करना पड़ेगा। और जो ठड्डा इसका कर्व है इधर की तरफ में, उसका इफेक्ट इसमें हमेशा रहेगा, लेकिन इतना नहीं घूमेगी। यहाँ से पकड़ करके अपन ने इसको ऊपर कर दिया, अब इसको दोबारा से अपन उड़ाएंगे। अब हो गई सही। ये देखिए, ये हुई है मित्रों पतंग अब सीधी। आप समझ गए कैसे अपन ने पतंग को सीधी करी है? मित्रों मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक पतंग क्वालिटी की करके उड़ानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। वही जो मैंने कहा कि ये तो कागज और लकड़ी का मिश्रण था। हाँ, पतंग तो आपने बनाया है, पतंग अब बनी है। ये देखिए मित्रों, अब जा करके इतनी डंडी टेढ़ी करने के बाद में, तीन बार चेक करने के बाद में एक पतंग सीधी हुई है। और भी अगर सत्यम तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझे बताओ, अपन उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों अब हमारे पास में क्या है कि हमारी जो इवनिंग की काइट रहती है हमेशा, जो इवनिंग में काइट फाइटिंग करते रहते हैं, उसके ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है जल्द ही। ये कौन सा पतंग है? ये मंजुली पतंग है। नहीं, ये जेवरा पतंग है। हाँ मित्रों, ये आज से जेवरा पतंग है। इसका साइज मंजुली है लेकिन इसको बोलेंगे जेवरा। वैसे तो खैर हमारे यहाँ जयपुर में इसको परियल बोलते हैं। मित्रों हमारी रोजाना की इवनिंग की जो काइट फाइटिंग रहती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा भी पतंग उड़ा रहा है। मित्रों ये पारस है, ये भी कई बार वीडियो में आता रहता है, मेहनत कर रहा है पतंग उड़ाने के लिए। मित्रों ऐसे हमारे पास में हम रोजाना हम कम से कम 2-3 घंटे शाम में इवनिंग में पतंगबाजी करते हैं। उसके एक एक वीडियो बन करके आपको डे बाई डे अब आपके पास में आएंगे 1 जनवरी से 14 जनवरी तक। और मित्रों हमारा तो खैर मार्च तक चलता है पतंग उड़ाने का सीज़न। जब भी हमारा वीडियो बनेगा तो हमारा डालते रहेंगे, आप देखिए वीडियो को एंजॉय करिए। हमारे जो काइट कटिंग के फाइटिंग के पेचेस होते हैं वो सारे एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।